कस्बे के बस स्टैंड के नजदीक स्थित सहायक अभियंता विद्युत विभाग के कार्यालय में स्थित शिव मंदिर पर तीसरा वार्षिक उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि सोमवार रात्रि को भजन सत्संग का आयोजन किया गया। मंगलवार को सुबह विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोलेनाथ व हनुमान महाराज के कड़ी बाजरे चावल भुजिया खीर का भोग लगाकर भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में विद्युत विभाग के कर्मचारियों सहित कार्यालय में आने वाले लोगों सहित आसपास के हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता महेश कुमार देशवाल, सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल, कनिष्ठ अभियंता अमित चौधरी हेमंत, सहायक राजस्व अधिकारी नरेंद्र कुमार बुनकर, सहायक अभियंता हेमंत कुमार वर्मा, सहायक अभियंता सोनू शर्मा, कनिष्ठ लिपिक विनय भारद्वाज, ठेकेदार श्याम मुखीजा, विक्रम यादव, स्ट्रिपर रजत शर्मा, लैब टेक्नीशियन उपेंद्र चौधरी, डालचंद रामेश्वर, प्रेमचंद बाबूलाल शर्मा, राजेंद्र बसवाल, संजय शर्मा, प्रवेश कुमार, बलवीर सिंह, संदीप यादव, खेमचंद शर्मा, प्रकाश चंद जोशी सहित अनेक कर्मचारी व सेवादारों ने प्रसाद वितरण में सहयोग दिया। हाँ जी, इस बार हमारे सहायक अभियंता कार्यालय में रामगढ़ में ये हमारे मंदिर का तीसरा वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है। तीसरे वार्षिक उत्सव में हमने यहाँ पे कड़ी बाजरे का प्रोग्राम रखा हुआ है, जिसमें सभी अपने ऑफिस स्टाफ और आसपास के जो भी बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर के आदमी, सभी को हमने आमंत्रित करके यहाँ पर भंडारे में आमंत्रित किया है। आज रामगढ़ कस्बे के अलवर दिल्ली मार्ग पर स्थित विद्युत विभाग के कार्यालय में स्थित शिव मंदिर पर भगवान शिव का तीसरा वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस मौके पर सहायक अभियंता ओम प्रकाश अग्रवाल सहित विद्युत विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। इस अन्नकूट के आयोजन में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। रात्रि में सोमवार की रात्रि भजन सत्संग का आयोजन किया गया, जिसमें कई गायक कलाकारों ने अपनी सुंदर सुंदर वाणी से भगवान शिव के भजन गाए।